हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका वेलकम करता हूँ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस ट्यूटोरियल वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप एक पेंटर आर्टिस्टिक वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस में, साथ ही साथ कैसे इसका सेटअप करेंगे और कैसे इसका कस्टमाइजेशन करेंगे। तो कुछ इस तरह की अमेजिंग वेबसाइट हम बनाना सीखेंगे इस ट्यूटोरियल वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो इसको आप डोमेन जैसे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक बहुत ही रिलायबल और फास्ट स्पीड वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो काफ़ी लंबे समय से इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इन्हें चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्लान्स बहुत ही अफोर्डेबल है और सर्विस भी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके डोमेन भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसा कि आप .com, .in, .xyz, .org डोमेन भी यहाँ से बाई कर सकते हैं, और शेयर्ड और रीसेलर और VPS के भी आप इसमें प्लान चेक कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। शेयर प्लान भी आपको मतलब 59 रुपीज़ पर मंथ में स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें SSD स्टोरेज भी मिलता है, जो आपकी वेबसाइट को अच्छी स्पीड बूस्ट करता है। तो शेयर स्टोरेज में अपन देख सकते हैं कि इसमें जैसे 59 रुपीज़ पर मंथ में आपको होस्टिंग सर्विस अवेलेबल हो जाती है, जो कि सबसे चीप वेब होस्टिंग है अगर देखा जाए तो। पर इनकी जो सर्विस है वो बहुत ही फास्ट है। और चार प्लान जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस डोमेन लेसर के शेड के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि अनलिमिटेड SSDDs है, फ्री SSL सर्टिफिकेट है, सी पैनल है, प्लस SEO टूल है, और क्लाउड जो सर्विस है वो भी आपको इसमें अंदर मिलती है। तो इस तरह के आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में और आप एक बहुत ही अच्छे लेवल की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, या अपने क्लाइंट के लिए भी बना रहे हैं, तो आप इनके प्लान को चेक कर सकते हैं। बेसिक, पर्सनल, सिल्वर और एडवांस, जैसा कि आप चार प्लान इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसमें जैसे अगर बेसिक प्लान के साथ जाएंगे तो आपको जो 5GB बैंडविड्थ मिलेगी, वन आप वेबसाइट इसको होस्ट कर सकते हैं, और SSD पे मिलता है आपको 1GB। पर्सनल में जैसा कि आप देख सकते हैं 99 रुपीज़ पर मंथ में इनके प्लान स्टार्ट है, और इसमें आप सिंगल वेबसाइट के साथ आपको अनलिमिटेड SSD और अनलिमिटेड जो बैंडविड्थ है वो आपको प्रोवाइड होती है। और साथ साथ ईमेल अकाउंट भी आप बना सकते हैं, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट भी आप इसमें फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। सिल्वर में जैसे आप देख सकते हैं कि 169 पर मंथ में इसके प्लान अवेलेबल हो जाते हैं, जहाँ आप 3 वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं एक ही होस्टिंग के अंदर। आपको डोमेन अलग से बाय करना होगा, बट जो ये सर्विस है आपको जो 3 वेबसाइट आप एक साथ होस्ट कर सकते हैं। एडवांस में आपको एक डोमेन भी फ्री मिलता है, और अनलिमिटेड SSD और अनलिमिटेड जो सर्वर आपको स्पीड मिलती है, SSD स्टोरेज मिलती है इसके अंदर। तो जैसा कि मैं आपको इसका जो ये प्लान है वो बता देता हूँ, थर्ड प्लान। तो जैसा कि आप इसमें डोमेन अगर आप चाहे तो इसमें यहाँ से खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, या आप जैसे GoDaddy या कोई और वेबसाइट से आप इसमें डोमेन परचेज करके अटैच भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो के लिए बता देता हूँ, कोई भी आप डोमेन का अपना नाम लिख दीजिएगा, और या .com या .xyz आप लिख दीजिएगा जो आपके डोमेन का एक्सटेंशन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 ईयर के लिए हमें 2271 रुपीज़ हमको पे करना होगा। चेकआउट पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपन को नॉर्मल जो डिटेल होती है वो फिल करके हमको सीधा पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होता है और पेमेंट करना होता है, जो कि बहुत ही आसान है। आसानी से हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उस तरह इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे जैसे पहले से ही परचेस किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्लाइंट एरिया में जाकर। तो जैसे मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा ये सर्विस पे, कुछ इस तरह का इनका पैनल है, अंदर का पैनल जैसे कि आप देख सकते हैं। SEO टूल भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, जो आपकी वेबसाइट को SEO करने में काम में आता है। और जैसे नेम सर्वर भी आप देख सकते हैं अपने जो डोमेन में, वो नेम सर्वर अपडेट करके आप सीधा ही कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपने सी पैनल में मैं लॉगिन हो जाऊंगा, अपने कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, एडवांस है और काफ़ी लाइट है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। और इनमें आप जैसे बहुत सारे जैसे फंक्शन आप देख सकते हैं, उनको आप आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे स्क्रिप्ट में, हम वर्डप्रेस सिलेक्ट करेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपनी जो डोमेन के अंदर। अब यहाँ हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, और जो अपना डोमेन होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, और जो नॉर्मल यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपको एंटर करना होगा नया, और हम अपना एक जो वर्डप्रेस अकाउंट है वो क्रिएट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, इजी टू यूज स्टेप है, और आसानी से आप अपनी बहुत ही अच्छी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं इस होस्टिंग की सहायता से। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार इसे जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैं इसे बहुत ही टाइम से इसे यूज़ में ले रहा हूँ, और मुझको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब इंस्टॉल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, तो जैसा कि इंस्टॉल हो गया है,
तो हमें एक पेंटर आर्टिस्टिक वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा अपने डोमेन में, जो आई होप कि आपने वो कर लिया होगा और अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए होंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट पेजेस मीडिया सेक्शन है। तो यहाँ पर जैसे आप पोस्ट सेक्शन में जाकर कोई नया बुक पोस्ट डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। अब मीडिया सेक्शन में आप कोई नई इमेजेस फाइल्स और कोई वीडियोस आप डालना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। पेजेस सेक्शन में आप अगर कोई नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर अपीयरेंस थीम सेक्शन, यानी यहाँ पर आपको नई थीम ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और यहाँ प्लगइन सेक्शन है, यहाँ पर अगर आपको नया प्लगइन ऐड करना चाहे तो वो आप इसी टूल की मदद से कर सकते हैं। हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ग्रो डिजिटल एरा आपको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। तो अगर आपको यह सर्विस इंटरेस्टेड है या आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ये सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर। तो आपको ये क्लासिक एडिटर फर्स्ट प्लगइन दिखाई दे रहा है, इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। देन हम यहाँ सर्च करेंगे ऊपर YOAST योस्ट, ये SEO करने के काम आता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के काम आता है। तो इसी प्लगइन को भी हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो अब हम थीम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने थीम में जाएंगे और एड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे एस्ट्रा ASTRA, और जो फर्स्ट थीम आएगी इसको हमको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। और एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए हमें बहुत ही अच्छी होस्टिंग की नीड होती है, तो उसके लिए मैं आपको डोमेन से रिकमेंड करता हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा इसे भी। अब जैसे इसको हम थीम को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव कर लेंगे, नाउ वी गो टू इन प्लगइन सेक्शन और हम वापस एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे एस्ट्रा नाम से ही, स्टार्टर टेम्पलेट जो प्लगइन है, जो हमें बहुत सारे थीम्स प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही सही चीज़ें हमें इसमें अवेलेबल होती है, तो इसको भी हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। अब यहाँ सी लाइब्रेरी पे हम क्लिक करेंगे स्टार्टर टेम्पलेट में। अब वीडियो वेबसाइट नाउ पे क्लिक करेंगे और एलिमेंटर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप बहुत अच्छे लेवल की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ वन क्लिक में आपका सारा डाटा इंपोर्ट हो जाता है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एलिमेंटर टूल की मदद से बहुत ही अच्छे लेवल की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हुई, बिजनेस वेबसाइट हुई, या कुछ किसी भी तरह की वेबसाइट हुई। तो वैसे इसमें हम पेंटर टाइप कोई आर्टिस्टिक वेबसाइट का टेम्पलेट देखेंगे। तो यहाँ वैसे हम सर्च कर लेते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक लर्न ऑयल पेंटिंग करके कुछ एक टेम्पलेट है। इसको हम अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करेंगे और कस्टमाइज़ करेंगे, तो इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, और 1 से 2 मिनट का इसमें आपको टाइम लगेगा इंपोर्ट होने में, तो यू नीड टू वेट दैट्स टाइम। वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट डन, आप चेक कर सकते हैं हमारा जो डाटा इंपोर्ट है वो डन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब व्यू योर वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। तो एज यू कैन सी कि हमारे सामने कुछ इस तरह का टेम्पलेट आ गया है। अब यह एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करके हम इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ और चेंजेस करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है इस टेम्पलेट की कि मोबाइल रेस्पॉन्सिव है, यानी मोबाइल में भी बहुत ही अच्छे ढंग से शो होती है, तो यूज़र एक्सपीरियंस मोबाइल में इसका बहुत अच्छा रहता है। अब एडिट विद एलिमेंटर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एलिमेंटर टूल ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर जिसका इसका बैकग्राउंड का इमेज हुई, कलर्स हुए, फॉन्ट्स हुए, टेक्स्ट हुए, तो वो हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ क्लिक करके। अब जिस डॉट पे हम क्लिक करेंगे और यह स्टाइल में जाएंगे और इसके कलर को हम वैसे चेंज करेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर आप सबसे अच्छी बात है कोई नया सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हमारा जैसे ये टाइटल है, इसको अगर हमको चेंज करना है तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं।
तो हमने जो पुराना टेक्स्ट हटा के यहाँ पे नया कुछ लिख दिया, स्टार्ट सम पेंटिंग विथ मी। और इसी तरह आप यहाँ का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इनरोल टूडे का, तो यहाँ पे भी आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको लिंक देनी है तो वो आप दे सकते हैं। बहुत ही ईजी है और आसानी से आप ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना व्हाट्सएप का जो यूआरएल एपीआई यूआरएल है वो दे सकते हैं। अब यहाँ का बैकग्राउंड का जैसे आप कलर है तो वो चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जो भी आपकी थीम है उस हिसाब से। और पीछे का बैकग्राउंड है तो वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे, सही लगे। और यहाँ पर जैसे ये इमेज है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। कमरा में यहाँ पर अगर आप अबाउट अस कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। बहुत आसान है और अच्छी आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं इससे वैसे। और यहाँ पर अगर आपको कोई टेक्स्ट डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपको होस्टिंग खरीदनी है वेबसाइट के लिए तो आप उसके लिए डोमेनेसर के साथ जा सकते हैं, जो को बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है इंडिया के अंदर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि एक बार आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। अब यहाँ कोर्सेज में अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवाना चाहते हैं तो वो सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वैसे आसानी से। और टेस्टिमोनियल आप डालना चाहते हैं इमेजेस के साथ, टेक्स्ट के साथ या कोई लिंक के साथ, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। टेस्टिमोनियल आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छी अगर लेवल का आप रियलाइजेशन दिखाना चाहते हैं, कस्टमर बेस दिखाना चाहते हैं, तो टेस्टिमोनियल बहुत ही ज़रूरी होते हैं हर बिजनेस के अंदर, हर वेबसाइट के अंदर। जैसे आप प्लस के निशान पर क्लिक करके हमने एक नया टेक्स्ट ऐड किया है, उस तरह आप इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, और भी कोई नया सेक्शन ऐड करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि आप हेडर और फुटर कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वापस होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ ऊपर कस्टमाइज पे हम क्लिक करेंगे। अभी हम कस्टमाइज सेक्शन में आ गए। अब यहाँ पर जैसे हम पेन के निशान पर क्लिक करेंगे तो हम जैसे इसका लोगो है, इसके जो मेन्यूज़ बार है वो चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं। लोगो मेनली PNG होता है तो आप चेक कर सकते हैं। हमने जो लोगो सेलेक्ट किया वो यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर आप मेन्यूज़ बार होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, उनको आप नया बना सकते हैं, लगा सकते हैं आसानी से। जैसे ही हमारा ऊपर बटन है ज्वाइन टूडे का, तो यहाँ पर हमने कोई एक google.com की लिंक दी है, तो वो इस तरह आप कोई भी लिंक दे सकते हैं यहाँ पर भी। और नीचे आप कोई सोशल मीडिया बटन है उनको आप चेंज करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। साथ साथ कॉपीराइट का जो इसमें टेक्स्ट दिया है वो आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं।
अब वापस हम अपने डैशबोर्ड में एक बार आ जाएंगे वर्डप्रेस के। हम पेजेस सेक्शन में जाएंगे और हम जैसे कोई दूसरा हमको पेज का सेटअप करना होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये अबाउट का पेज है, इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये भी हमारा डाटा जब इंपोर्ट किया था तो उसमें ये भी पेज ऐड हो गया था, तो एडिट विद एलिमेंटर पर जाकर आप इसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं। सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कोई आपको टेक्स्ट चेंज करना है, इमेज चेंज करनी है या कलर चेंज करने हैं तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। अब अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ मेन्यूज़ में। तो यहाँ पर जो मेन्यूज़ बार है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, उसमें अगर आप कुछ नया क्विक लिंक्स ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं किसी मेन्यू बार में, जो कि बहुत ही आसान है। सेम मेन्यू पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह हमारा ये मेन्यू सेव हो गया है। तो इस तरह आप बहुत ही अच्छे लेवल की एक पेंटर आर्टिस्टिक वेबसाइट बना सकते हैं, और ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए भी आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, और इस तरह आप इसे सीखेंगे कर सक सीख कर अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।